गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप ये सुबह सुबह का वक्त और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए लंच। तो अभी मैंने देखो ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के लिए दूध बनाया है रूअफ़ज़ा वाला, और ये मेरा पानी है गर्म के ओर। साथ में मैं बनाऊँगी स्माइली अंडा बर्गर, और ये मैंने मिनी बर्गर लिया है, देख रहे हो बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, ये अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, तो मैंने मिनी बर्गर लिए। अब इसको जल्दी से रेडी करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, इस बर्गर को पता मैंने नाम क्या दिया है? मैंने इसको दिया है एग स्माइली बर्गर, क्योंकि मैं इसमें एग का इस्तेमाल कर रही हूँ और पैटी की जगह इसमें स्माइली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे चिकन की पैटी यूज़ करें या आप पोटैटो पैटी यूज़ करें, कोई सी भी कर लें, लेकिन मेरे पास स्माइली थे तो वो मैंने स्माइली इसके अंदर यूज़ कर दी। और झटपट से बर्गर देखो बन के रेडी हो गया था। बस बच्चों को अभी मैंने नाश्ते में भी दिया, क्योंकि उन लोग को खाना था, उन्होंने खुद से बनवाया था बोल के, तो इसलिए एक एक बर्गर अभी के लिए बनाया था और एक एक बर्गर उनको लंच में देने के लिए बनाया था। लंच में वो इसके साथ में ना अपने लिए फ्रूटी वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर जाते हैं लिक्विड में, वो भी हो गए हैं। हम जरा यहाँ रेडी, ये देखिए, और इनको स्कूल छोड़कर आते हैं। आज मुझे ही जाना होगा क्योंकि हस्बैंड जी नहीं आए हैं, मतलब वो बहुत सुबह सुबह चले गए और अभी इतनी जल्दी तो वो आएंगे नहीं, तो बस मैं ही जाती हूँ, इन लोग को छोड़ कर आती हूँ। यार अभी ना हस्बैंड जी बहुत देर से कॉल पर लगे हुए थे, कुछ उनका अर्जेंट कॉल था, वो सब हो रहा था, तो मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी अकेले, तो मैंने क्या किया, बस वीडियो ऑन कर दिया और फिर आपसे सारों में बातें करने लग गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉल पर बिजी हैं, मतलब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये सब कर रही थी बैठी बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा की छुट्टी है। हाँ, पापा की छुट्टी है। क्या करे, छोटी सी पार्टी है, कंपनी सी, इतनी सी। हाँ, तो इतनी छोटी सी तुम कर सकते हो। एक मिनट, क्या हुआ? मैं बिल्कुल नीचे हो जा रही हूँ, हटो भले हमजा, हटो, मैं खिसक के नीचे हो गई। अरे क्या हो गया, बिल्कुल आवाज नहीं आने दे रहा है। गाइस ये देखो, देखो, और मैं कहा हूँ नीचे बैठी हुई हूँ। कहना क्या चाहते हो? ये दब दुल्हन नहीं, दुल्हन घर आई, दुल्हन तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घूंघट करके रखोगे। क्या हालत कर दी है इसने। अरे वाह शेर, वो तुम तो। अब मैं नहीं, हाँ मैं इस चक्कर में नीचे बैठी हूँ इससे बच के, और ये फिर भी देखो आ गया मेरी गोद में। ये लड़का मुझे कहीं भी नहीं बैठने देता, कहीं भी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। क्या बनाऊं भाई, पूछने वाली थी क्या होगा, क्या होगा, कुछ तो बताओ। क्या होगा बताओ, आप बताओ क्या खाओगी, क्या खाओगी, आप क्या खिलाओगे, क्या खाओगी। मैं गोलगप्पे तो बहुत दिन हो गए नहीं खाए, सच में याद भी आ रही गोलगप्पों की। क्यों, इतना भी कोई वो थोड़ी कह दिया कि छोड़ो। हाँ याद आ रही है तो गोलगप्पे की याद आ रही है मुझे, गोलगप्पे बहुत दिन हो गए नहीं खाए। अच्छा आज मोमोज बनाए पनीर के, पनीर मोमोज बना, पनीर लेकर आओ, फिर पनीर मोमोज बनाए। यस है ना रैयन, मोमोज बनाए, पनीर मोमोज देखना इसका मुंह बन गया आज मोमोज के। मोमोज का प्लान कैंसिल हो गया, अब बना रहे हैं हम चंगे जी। निकला दूसरा पीस भी इसी ऊपर रखो, तीसरा भी, हाँ मतलब तीसरा भी, मैं इसको मैरिनेट कर दूँ, फिर उसके बाद हम चंगेजी बनाते हैं। अभी टाइम नहीं, थोड़ा तिरछा कर दो सारा ऐसे, हाँ ऐसे ही देखो, ये पहली बार कर रहे हैं ना। नींबू का रस निकलवा रही हूँ इनसे, रस निकालने का देखो कैसे निकाला जा रहा है। चलो उधर साफ कर दो, वरना वो सफ़ेद वाइट कर देगा, हाथ लगा उसमें। चलो अब इसको जल्दी से, अब मम्मा को भी जल्दी से मैश कर देते हैं। ये बीच में जरूर आता है, मैश कर देते हैं। हाँ मम्मा को मैश करेगा वो। चिकन देखो मैंने इसमें पैन में रख दिया बनने के लिए, यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, प्योरी रेडी हो गई है,
और ये रखा है मेरा कश्मीरी लाल मिर्च। तो पहले मैं ना कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी ताकि जो ये प्यूरी का कलर है ना ग्रेवी का बहुत अच्छा सा आ जाए। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया मैंने तेल को, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगा ना तो फिर ये लाल मिर्च जल जाएगी। बस इस तरह से हल्का सा हीटअप हुआ, डाल दिया। अब कर लेते हैं हम प्यूरी इसके अंदर। अब ये जितना भी प्यूरी है ना ये सारे ढक के पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी नहीं सूख जाता है। अच्छा, मेरे पास देखो ये आटा रखा है गुदा हुआ, रोटी बनाई थी तो उसका बचा हुआ रखा है। तो अभी इस आटे से बनाने वाली हूँ मैं क्या गुलगुले, जो होता है ना स्वीट बनते हैं मीठे। ये आटा मैंने इसमें डाल दिया है। अब डालूँगी चीनी, जितना मीठा करना है उस हिसाब से डाल दें, मैं बस अपने अंदाज से डाल दे रही हूँ। और अब डालेंगे थोड़ा पानी। इससे क्या है कि आटे का जो मतलब इसका जो बैटर है ना बहुत जल्दी से बन जाएगा। बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता है, अगर आप बनाते हो तो आपको पता होगा। देखा कितनी जल्दी से गुलगुले का बैटर जो है वो रेडी हो गया और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। और मेहनत नहीं, खैर मेहनत तो हर काम में लगती है, वो छोड़िए अलग बात है। एक ये कि टाइम कितना बचा, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हुई है। अभी इसको मैं हाथ से कर रही होती या फिर मिक्सर से कर रही होती तो बहुत टाइम लगता, तो मैंने मिक्सी में डाला और झटपट से हो गया। और देखिए आटा हमारा जो रखा था वो वेस्ट भी नहीं गया, वो ख़राब भी नहीं होगा। और मैं जल्द 10 मिनट रखूँगी। और मैं अभी सोडा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ना इतनी थोड़ी सी चुटकी भर डाल दी है इसके अंदर ईस्ट, जो 10 मिनट में अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी। फिर जब इसको फ्राई करूँगी तो फिर और भी ज़्यादा हो जाएगी एक्टिवेट, तो बस एकदम सॉफ्ट और परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएंगे। ईस्ट अक्सर नहीं होती है ना घरों में, तो आपके पास अगर है तो थोड़ी डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप सोडा डालिएगा। गुलगुले की तैयारी करते करते देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पक गया है, ग्रेवी भी अच्छे से पक गई, इसका सारा पानी सूख गया है। अब ये जो चिकन का मैरिनेशन था वो हमने डाल दिया है इसमें ग्रेवी के साथ में पकने के लिए, और कुछ मसाले ऐड किए। और फिर इसको फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए। फिर जो चिकन रेडी गया था वो इसमें मिला देंगे। और इसमें आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सारा कुछ ना ऑयल में बनाया, मैंने बटर यूज़ नहीं किया। और इसको डाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको लो गैस पर 5 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। और गाइस इसके बाद फिर मैंने डाला है ये फ्रेश क्रीम, और ये ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस 3 बड़े चम्मच तक मैंने डाला। और इसको मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे और करीब 5 मिनट तो पकाऊंगी लो गैस पर। वैसे ही ऑलरेडी कुक हो चुका है चिकन जो है वो भी पूरी तरह से पक गया, मैं पनीर याद आ रहा है मुझे। और फिर मैंने इसमें देखिए धुआं लगा दिया है थोड़ा सा गरम, मतलब जलते हुए कोयले पर देसी घी डालकर रख दिया था। सब्जी रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा नारियल डाला है काट के, और हरी इलायची डाली है। तेल भी देखो यहाँ पर गर्म हो गया है, तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसमें इसे डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। चंगे जी जो है वो बनके रेडी हो गई है, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये हो गए गुलगुले रेडी। देखो इस तरह के खाने बनाओ ना तो ये दीवारें देखो क्या हाल हो जाता है, सारे बर्तन धुल गए हैं, सारा किचन क्लीन हो गया है, गैस भी क्लीन कर दिया है। और अब मैं चलती हूँ किचन से बाहर और चलते हैं हम लोग खाना खाते हैं। देखो यहाँ पर खाना लग चुका है। चलो मैं सर्व करूँगी, अभी वेट हो रहा है मेरा। प्याज में सिरका तो डाला ही नहीं है, थोड़ा सा सिरका डालो, थोड़ी लाल मिर्च डालो, फिर प्याज अच्छे। Why are you laughing? Rayan, I'm asking you. Why are you laughing? No laughing. Okay, come here. मैं बताऊँ. I'm yes. laughing to the monkey is हाथ रगड़ी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। फिलहाल गाइस अभी हम लोग का खाना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी को बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बेटा, आपको खाना कैसा लगा? सुपरा एक गाड़ी है भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरा सर भी जिग रही है। करोड़ों रुपए की गाड़ी। अरे मैं खाना पूछ रही हूँ। जब बेइज्जती है मम्मा। प्रिया मैं कौन ला रहा हूँ? क्या चीज? बर्तन। नहीं, ये
जाओ अपने पहले दोस्त को बुला के लेकर आओ। हम भी तो देखे कौन से रामू है। रामू काका तो नहीं है भाई? हाँ वही है। सही है, ये कूड़ा डाल के ना डस्टबिन में बेटा। हम तो ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। मुँह में दवा खराब हो जाती।